हाय गाइस, आज का जो वीडियो है सप्लीमेंट्स के ऊपर है। पहली चीज तो मुझे बहुत गुस्सा है, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, उसने बताया मुझे कि उसके जिम में बाबा जी की बूटी बांटी जा रही है जिसके द्वारा बॉडी बनाई जा रही है। बंदों के 12-12, 15-15 केजी वेट गेन हो गए, बहुत गलत बात है। पहली चीज तो ऑनर को नॉलेज नहीं है, जिम डाल दिया है, अंदर क्या चल रहा है ये पता ही नहीं है, स्टेरॉइड घुस रहे हैं बॉडी के अंदर, पता ही नहीं है जिम के अंदर चल क्या रहा है। कल को नाम खराब होगा तो पूरी की पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का नाम खराब होगा, ना सिर्फ आपका। तो पहली चीज तो ट्रेनर से ही डिसाइड करो बॉस कि किस जिम में जा रहे हो, और दूसरी चीज जब भी सप्लीमेंट खरीदते हो ना तो सही जगह से, ऑथेंटिक जगह से सप्लीमेंट को परचेस करो। पहले तो बैकग्राउंड पता करो कि सप्लीमेंट सही जगह से बिक रहा है या नहीं। और दूसरी चीज 50%, 60%, 70% सप्लीमेंट आप लगे ऑनलाइन के पीछे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, क्या ये आपको नॉलेज नहीं है? आप जरा सी भी चीज परचेस करते हो तो उसका प्रॉपर नॉलेज लेते हो या नहीं लेते हो? फिर किडनी खराब हो जाती, लीवर खराब हो जाती, फिर आते हो सर ये प्रॉब्लम हो गई अब क्या करूं, सर काम नहीं कर रहा अब क्या करूं। तो ये सब गलत चीजें ना यार। आप पहले चीज तो सही चीजों को डिसाइड करो, और दूसरी चीज ये परसेंटेज के पीछे भागना बंद करो और ऑफलाइन पे जाओ प्लीज। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि माता रानी के वो चालू हो गए और 50% 60% चालू है तो मैं यहां से परचेज कर लेता हूं, गलत है। अगर आप सालों से एक बंदे के पास जा रहे हो, सालों से आपको उसका बैकग्राउंड पता है, इसको इतना एक्सपीरियंस है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप वहीं से सप्लीमेंट परचेस करो, ना कि किसी लोकल छाप दुकान से, और लोकल छाप ट्रेनर से, और ना कि लोकल छाप ऑनलाइन सेल से। थैंक यू।